उसके यूट्यूब पे डाल रहा है वही वही कर रहा है सबका मन उड़ाना ये बस उसका ही उड़ा इस चारों तरफ घूमता रहता है नहीं दिस इज द मेकिंग ऑफ मेकिंग शुरू हम लोग कुछ नहीं कर रहे मेकिंग नहीं मेकिंग मत कर फेकिंग कर ये जब बोलना चालू करेगा ना उसका पूरा एडिटर मेकिंग जब मेकिंग ऑफ हो जाएगा नहीं नहीं मेकिंग देखा एक कीजिए कीजिए एक्शन कीजिए ये सब डॉक्यूमेंट्री में आ जाएगा ओके रेडी हां या रेडी द वन बोलेंगे ओनली लुक इनटू द कैमरा अगेन या या ओके आई विल ट्राई एक्चुअली मेरा क्या हो रहा है कि द मोमेंट आई गो टू थिंकिंग मोड ना आई उधर उधर हो जाता है आई विल ट्राई टू फोकस ओके रिव्यू या कर फोकस उसको याद करने में पूरा फोकस आउट ऑफ फोकस सुधीर लाइट इन द राइट साइड पर था इकडे नहीं था इला भाग ले दिया था पर आगे चल पकड़ ले तो ये नया रिकॉर्डिंग चल ब्रो सेकंड मेकिंग सेकंड मेकिंग जस्ट वो जस्ट उतना ही क्लिप करना उसको एडिट कर लेंगे पूरा रिकॉर्ड तू बैठ एक काम कर रहा है रॉ के हाथ तू जो चाहिए वो करना जो करने कहना तेरा तू बैठ थोड़ा छेद को राइट को ले सकते हैं नमस्ते मेरा नाम विराट धुलिया है और मैं कॉन्फिडेयर इंडिया मेंस राइट्स कम्युनिटी सेंटर का एक पार्टनर हूँ कॉन्फिडेयर इंडिया मेंस राइट्स कम्युनिटी सेंटर सन 2011 में स्टार्ट हुआ था चार लोगों ने इसको मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये तब हुआ जब उन चारों के जीवन में कुछ कुछ निजी ऐसे अनुभव घटे जिसकी वजह से उन्हें इस बात का आभास हुआ कि समाज में पुरुषों के साथ कितनी प्रताड़ना हो रही है उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है इन चारों के ऊपर दहेज के झूठे मामले लगे थे मेरे ऊपर भी दहेज के झूठे मामले लगाए गए थे और वो इसलिए लगाए गए थे क्योंकि मेरी बीवी चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ना रहूं जब मैंने इस बात को मानने से स्वीकार नहीं किया तो उन लोगों ने झूठे मामले लगा दिए 2007 की है ये बात और उस वक्त मैं एक संस्था के संपर्क में आया जिसका नाम है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ये एक ऐसी संस्था है जो झूठे आरोपों में फंसे विवाहित पुरुषों की मदद करती है और एक संस्था के इसमें फ्लक्चुएशन हो ठीक है ना फुल पावर बढ़ेगा बाद में आप उसको ज्वाइन कर लेंगे राइट ऑन व्हाट इज राइट सो नेक्स्ट टाइम की ये अगर दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं पहले नहीं कंपेयर इंडिया बोलने के बाद स्टार्टेड ये सब बोलने से पहले आप मतलब संस्था के बारे में बोल दीजिए पहले कि ये मतलब पुरुषों के लिए मतलब हेल्प करने का संस्था है उसमें मतलब देन यू कम ऑन टू मतलब ये जब स्थापित हुआ एंड ये संस्था क्यों पैदा हुआ ठीक आप चाहते हैं पहले संस्था के बारे में बारे में हां ठीक है नमस्ते मेरा नाम विराट धुलिया है मैं कॉन्फिडेयर इंडिया मेंस राइट्स कम्युनिटी सेंटर का एक पार्टनर हूँ कॉन्फिडेयर इंडिया मेंस राइट्स कम्युनिटी सेंटर सन 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और चार लोगों ने इसकी शुरुआत की थी कॉन्फिडेयर इंडिया का जो मेन काम है वो ये है कि हम लोग
पुरुषों की सहायता करते हैं, ऐसे पुरुष जो कि जीवन में किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं और उनके पास कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं होता है, कोई उनके पास तरीका नहीं होता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। हमारे पास विवाहित पुरुष आते हैं अपने विवाह संबंधित प्रताड़ना को लेकर के, विवाह संबंधित यातना और अत्याचार को लेकर के। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे पुरुषों को इस बात के लिए फोर्स किया जाता है कि वो शादी कर लें, क्योंकि उनके ऊपर ये धमकी रहती है अगर वो शादी नहीं करेंगे तो उनके ऊपर रेप केस लग जाएगा, उनके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने शादी का झूठा वादा किया था। फिर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि ऑफिस में किसी के साथ, किसी पुरुष के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके ऊपर या तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा आरोप लगा दिया, या वो खुद ऑफिस में किसी महिला के हाथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुआ और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहां जा करके वो गुहार लगाए। कई ऐसे पुरुष भी हैं जिन्होंने आवाज उठाई तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो इस तरह के कई सारे समस्याएं हैं पुरुषों की जिनका आज समाज में कोई समाधान नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा पुरुष को सहायता मिल सके, थोड़ी राहत मिल सके। तो इस खालीपन को पूरा किया कॉन्फिडेंट इंडिया मेंस रेक्स कम्युनिटी सेंटर ने, और सन 2011 में चार लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। इन चारों के निजी जीवन में इस तरह की घटनाएं घट चुकी थी जहां पे वो अत्याचार का शिकार थे, उनके ऊपर झूठे मामले दर्ज किए गए थे और उन्हें झूठा कोर्ट केस लड़ के अपने आप को निर्दोष साबित किया उन लोगों ने। और इस दौरान उन्हें ये आभास हुआ कि समाज में काफी मात्रा में ऐसे पुरुष हैं जो कि प्रताड़ित हो रहे हैं और जिनके पास कोई माध्यम नहीं है कहीं पे जाकर के गुहार लगाने का, ना सरकार ने कुछ उन्हें प्रावधान दिया है ना कोई और माध्यम है। तो एक संस्था बनी थी सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन सन 2005 में, जो कि ऐसे पुरुषों की मदद करती थी, और उस संस्था में से फिर चार लोगों ने मिलकर कॉन्फिडेंट मेंस राइट्स कम्युनिटी सेंटर स्टार्ट किया और 2 साल से ये सेंटर चल रहा है। पिछले साल कॉन्फिडेंट ने एक और नया उन्होंने शुरू किया है जो कि जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस सेंटर। आज घर में किसी भी पुरुष को अगर अपनी पत्नी से प्रॉब्लम होती है, चाहे उसकी पत्नी उसकी पिटाई करे या उसका मानसिक शोषण करे या उसका आर्थिक शोषण करे और वो घर में सुकून से नहीं रह पाता है, तो ऐसे पुरुषों के लिए हमने एक शेल्टर होम बनाया है जो कि बैंगलोर में उपलब्ध है। कॉन्फिडेंट के मेंबर्स उसको उपलब्ध कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है confidentindia.com, इस पे आप जाएं और हमसे संपर्क साधें। अगर आप प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं या आप किसी ऐसे पुरुष को जानते हैं जो कि प्रताड़ित हो रहा है तो उसे भी आप हमारे बारे में बता सकते हैं। याद रखें, हर साल भारत में 62,000 विवाहित पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई रास्ता और बचता नहीं। एक और बार सिर्फ लास्ट लाइन 62,000 वाला, ठीक है, एक और बार कर लीजिए, खत्म होने के बाद आप कैमरा ही देखते रहिए, ठीक है। एक मिनट, कहीं वही चीज है ना, ये कंपैरिजन बेस्ट आपका 62,000 नहीं, 1,000 है। हमारी वेबसाइट है confidentindia.com, इस वेबसाइट पे आप जाएं और हमसे संपर्क साधें, या आप किसी ऐसे पुरुष को जानते हैं जो कि प्रताड़ित हो रहा है तो उसे भी आप हमारे बारे में बता सकते हैं। याद रखें, आप किसी पुरुष की मदद कर सकते हैं इसके थ्रू, और हर साल भारत में 62,000 विवाहित पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पब्लिश किए हैं और ये बहुत ही गंभीर आंकड़े हैं जो हमें ये बताते हैं कि पुरुषों के साथ किस कदर का अत्याचार हो रहा है।